तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। दोस्तों, चल रही थी आलोक भारती प्रकाशन से केसी सिन्हा क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.3 में देख चुके थे हम क्वेश्चन नंबर 14 तक, तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से, समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो दोस्तों, आपसे हम कहना चाहते हैं कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और जितने जो दोस्त होंगे आपके क्लासमेट होंगे उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा इस चैनल को। ठीक है, और उनको बताइएगा कि यहाँ आलोक भारती प्रकाशन का सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, और आप जिस प्रकाशन से भी आप कमेंट कीजिए, जिस प्रकाशन के भी सॉल्यूशन या फिर थ्योरी में कहीं डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, तो उस पर विशेष ध्यान देते हुए वीडियो तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 से, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन कि कैसे होंगे 15 नंबर क्वेश्चन के। तो एक्सरसाइज 8.3 का 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा बराबर क्या है, बराबर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, बराबर सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। यही चीज़ हमको सिद्ध करना है। एक क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित त्रिकोणमितीय तादात्म्य को सिद्ध करें। ठीक है, इसको सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है राइट हैंड साइड वाले के मान के बराबर है। ठीक है, दोनों का मान हम निकालेंगे, दोनों का LHS का वैल्यू देखिए पहले निकालते हैं। LHS में क्या है, टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा। ठीक है, तो देखिए कोई भी दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में रहेगा तो उसको हम पहले साइन और कॉस के पद में ले आएंगे। ठीक है, तो साइन और कॉस के पद में लाने के लिए ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होगा और प्लस क्या हो जाएगा 1/10, और टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा ये जो रहेगा, ठीक है, और प्लस एक के भाग में है तो इसको अगर हम गुना में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा नीचे चले आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखने में क्या लग रहा है, भिन्न का जोड़ एलसीएम लेंगे, एलसीएम अलग अलग है तो दोनों क्या होगा, गुना होगा, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहला के हर से मतलब नीचे वाले से हम इसमें भाग देंगे तो कोस थीटा से, और सॉरी यहाँ कोसेक नहीं होगा, यहाँ कोस थीटा ही होगा। ठीक है, कोसेक लिख दिया हमने गलती से, साइन थीटा इंटू कोस थीटा एलसीएम होगा इसका। ठीक है, कोस थीटा से इसमें हम भाग करेंगे तो ये कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, बच जाएगा साइन थीटा ना, तो जो बच गया है उससे ऊपर वाले में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब इसके नीचे वाले से हम इसमें भाग देंगे नीचे वाले में, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो कोस थीटा बचेंगे तो ऊपर कोस थीटा से गुना होगा, होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से, अब देखिए फॉर्मूला पढ़े ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है, बट्टा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब बताइए यहाँ से कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/sin थीटा गुने 1/cos थीटा लिख सकते हैं, 1/sin थीटा गुना 1/cos थीटा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक से गुना करेंगे तो एक ही होगा, साइन थीटा को कॉस थीटा से गुना करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। अब बताइए 1/sin थीटा क्या होगा, 1/sin थीटा होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, गुना में है तो गुना दे दिए, मतलब डॉट का मतलब गुना ही होता है, और 1/cos थीटा है इसका मतलब क्या होता है, सेक थीटा। और देखिए यहाँ हमारे RHS में क्या है, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, गुना में एक गुना दो हो या फिर दो गुने एक हो बात है बराबर, यही चीज़ हमको प्रूव करना था। तो आप साफ साफ लिख लीजिएगा ऐसे करके, LHS बराबर क्या है, RHS, यही चीज़ हमको प्रूव करना था तो हो चुका है प्रूव। तो इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को कि क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इसमें है कॉस स्क्वायर ए प्लस 1/cot² है, इसका वैल्यू क्या है, 1 है, यही चीज़ हमको सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में है cos² a प्लस 1/cot² a बराबर क्या है, 1 है। ठीक है, मतलब इसका LHS में जो वैल्यू है ना, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, यही चीज़ हमको है साबित करना, क्या है, cos² a + 1/1 + cot² a। ठीक है, तो देखिए इसके LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में cos² a + 1/1 + cot² a
ठीक है, यह चीज ना है तो देखिएगा, इसको कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए रहने दिया हमने, और प्लस एक बट्टा, अब वन प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या पढ़ा है अपने, एक फॉर्मूला ये जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, वन होता है। लेकिन अगर इसी कॉट स्क्वायर को बराबर के उस साइड ले जाएं तो प्लस में कॉट स्क्वायर ए चला जाएगा, ठीक है, इधर क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, मतलब वन प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए होगा, तो नीचे में क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन ए बराबर, एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि क्या होता है, वन बाई कॉसेक, ये कहाँ से जाने थे, चूँकि साइन ए को कॉसेक ए से गुना करते थे तो मान होता था एक, अगर उनको साइन ए निकालना है तो कॉसेक ए क्या चला जाता था, भाग में चला जाता था, ठीक है। तो इसी तरह से हम वन बाई कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और प्लस बट्टा में है कॉसेक ए, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अब बताइए साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए में जोड़ेंगे तो कितना होगा, एक होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड हो गए, दोनों का मान हो गया बराबर, मतलब एल एच एस में जितना वैल्यू आया उतना ही वैल्यू आया आर एच एस में भी। इसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, तो क्वेश्चन नंबर 17 के क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है root under 1 minus cos theta बट्टा 1 plus cos theta, इसका मान जो है बराबर है cosec theta minus cot theta के, ठीक है, cosec theta minus cot theta के मान के बराबर है, ठीक है, ये चीज़ है साबित करना। तो LHS का मान पहले निकालेंगे और RHS के मान के बराबर हो जाएंगे तो हो जाएंगे ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे LHS, LHS में क्या है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें क्या करना पड़ेगा हमको, तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को कि इस टाइप के क्वेश्चन का करेंगे हम हर परिमेयकरण, ठीक है। और हर परिमेयकरण कैसे करते हैं, नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा है ना, तो ऊपर और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से गुना कर देंगे, ठीक है, प्लस वाला टर्म रहेगा तो उसको माइनस वाले टर्म से ऊपर और नीचे दोनों में गुना कर देंगे, हर परिमेयकरण हो जाएगा, ठीक है। तो रूट के अंदर में क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा है ऊपर में, ऊपर में भी 1 माइनस कॉस थीटा है, दो बारी गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बट्टा, नीचे में क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किस फॉर्म पे आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया, समझ गए। रूट अंडर क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बट्टा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं इसको, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कॉस थीटा का स्क्वायर कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। अब देखिए रूट के अंदर में क्या आया, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बट्टा में, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, नीचे में साइन थीटा का होल स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर में है, अगर हम रूट से बाहर निकालते हैं तो स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा बाहर में, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए ये इस टर्म को हम अलग अलग कर सकते हैं, एक बार एक से भाग देंगे इसमें, एक बट्टा साइन थीटा, और माइनस है तो माइनस दे के अगले को भाग देंगे नीचे से, कॉस थीटा को भाग देंगे साइन थीटा से, ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। अब देखिए इसको अगर यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो साइन थीटा एलसीएम आएगा, 1 का 1 उतरेगा ऊपर में, माइनस कॉस थीटा का माइनस कॉस थीटा उतरेगा, बहुत ही इजी सा है, ठीक है। अब बताइए 1 बाई साइन थीटा जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, माइनस है तो माइनस दे देंगे, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए एलएचएस का जो निकालने हैं वो आरएचएस के बराबर आ गया, तो यहाँ से हम लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव। तो दोस्तों समझने में अगर कहीं भी किसी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, हमें पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, मतलब घंटी के निशान को दबा लीजिएगा और उसके बाद ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18 को। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 में है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 18 नंबर क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा,
बराबर क्या है वैल्यू वन है, ये चीज हमको है साबित करना। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा बराबर वन है, ये चीज साबित करना है। इस क्वेश्चन में देखकर आपको क्या लग रहा है, ये टर्म तो अलग है, रहने देते हैं, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्म पे है, तो इसके एल एच एस में देख लीजिए, एल एच एस में जो चीज लिखा हुआ है वो चीज उतार लेंगे पहले। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो है इंटू में वन माइनस साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस साइन थीटा, ठीक है। तो ये दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो रहेगा ही ना, ये तो नहीं चेंज किए हैं इसको, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, इसीलिए हम वन ही छोड़ दिए इसको, ठीक है। अब बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन, ठीक है, यहाँ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इस टेन स्क्वायर थीटा को उधर उठा के ले जाएंगे तो इधर बच जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका मान क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, एक पढ़े हैं। अगर इस साइन स्क्वायर थीटा को उठा के उधर ले जाते हैं, इधर बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, उधर हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर इधर बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इसका मान क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम इसका वैल्यू एक कैसे लाएंगे, ठीक है, कैसे लाएंगे, तो सेक थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा है, वन बाई कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे और कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में कुछ नहीं है तो बट्टा एक है, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, आ गया वैल्यू इसका वन। आर एच एस में कितना वैल्यू है, वन ही है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस बराबर हो गए हैं, यही चीज़ था प्रूव करना क्वेश्चन नंबर 18 में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में भी वही है, हर परिमेयकरण करना है, रूट अंडर वन प्लस कॉस ए बट्टा रूट अंडर वन माइनस कॉस ए कह रहा है, हर परिमेयकरण करके सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं उसको भी कैसे सॉल्व। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन उतारते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन में है, 19 नंबर क्वेश्चन में रूट अंडर पहले प्लस वाला है, वन प्लस कॉस ए है, वन प्लस कॉस ए बट्टा में वन माइनस कॉस ए, यही चीज है, बराबर किसके है, बराबर है कॉसेक ए प्लस कॉट ए के, बराबर है किसके, कॉसेक ए प्लस कॉट ए के, ठीक है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसका भी हर परिमेयकरण करेंगे, हर परिमेयकरण करने के लिए क्या करना होगा, पहले लेते इसको लिखते हैं रूट अंडर वन प्लस कॉस ए बट्टा वन माइनस कॉस ए, हर परिमेयकरण के लिए क्या बताया है, नीचे में माइनस वाले चिन्ह से है ना, तो उसको हम प्लस वाले से गुना कर देंगे ऊपर और नीचे दोनों में, ठीक है, तो वन प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होंगे, अब ऊपर में देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस ए इंटू वन प्लस कॉस ए, इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार सेम सेम से गुना हुआ है, बराबर बराबर, और नीचे में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए रूट अंडर वन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर तो है ऊपर में, और वन माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला सब याद कर लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से बन जाएंगे क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकलने के बाद स्क्वायर हट जाएगा दोनों पर से, ठीक है, तो क्या हो गया, वन प्लस कॉस ए बट्टा साइन ए, अब अलग अलग करेंगे तो एक बट्टा साइन ए एक बार हो जाएगा और प्लस कॉस ए बट्टा साइन ए एक बार हो जाएगा, ठीक है, हो गए ये। अब देखिए यहाँ से हम वन बाई साइन ए को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए प्लस है तो प्लस दे देते हैं, कॉस ए बट्टा साइन ए क्या होगा, कॉट ए। तो किन किन को समझ में आया जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट से, वीडियो अच्छे लग रहे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। बार बार यही बात बोल रहे हैं क्योंकि मेरे आधा से ज़्यादा व्यूअर जो है सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं चैनल को, वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, इसीलिए बार बार बोलने पड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, 20 में है क्वेश्चन नंबर में सेक ए इंटू में क्या है, सेक ए इंटू में है वन प्लस साइन ए, सेक ए इंटू वन प्लस साइन ए, और फिर इंटू में क्या है सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए बराबर में सिद्ध करना है कि ये वन के बराबर है, ठीक है, यही चीज़ सिद्ध करना है। तो देखिए इसके सिद्ध करने के लिए पहले एल एच एस का मान लिखेंगे कि एल एच एस क्या है, एल एच एस है सेक ए इंटू वन प्लस साइन ए, ठीक है, इंटू में है सेक ए माइनस टेन ए, यही चीज़ है।
ठीक है, तो बराबर भारी भारी से सबको सॉल्व करते हैं। ये हो गया सेक ए इंटू वन प्लस साइन ए, ठीक है, वन प्लस साइन ए। अब क्या बताया हमने कि दूसरे फॉर्म में रहता है तो उसको हम पहले साइन कॉस के टर्म में ले आएंगे चेंज करके। तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, वन बाय कॉस ए, और माइनस टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बट्टा कॉस ए। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो ये क्या हो गया, सेक ए इंटू वन प्लस साइन ए, और इंटू में क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेने पे एलसीएम तो कॉस ए आएगा, ठीक है, और ऊपर में क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन ए। ठीक है, तो देखिएगा सेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए इंटू में क्या हो गया, वन प्लस साइन ए इंटू में वन माइनस साइन ए, क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में क्या है, कॉस ए है तो उसको रहने देते हैं। ये दोनों क्या किए हैं, आपस में गुना कर दिए हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्म पे आ गया, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया सेक ए, और वन माइनस साइन ए स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस ए स्क्वायर ए के बराबर होता है, और नीचे में क्या है, कॉस ए है। ठीक है, तो ये कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा, बच गया यहाँ पर एक कॉस ए। तो देखिएगा अब यहाँ से इस सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, एक बट्टा कॉस ए, और ऊपर में भी एक कॉस है यहाँ पर बच गया था, तो ये कॉस से भी ये कट जाएगा, तो बच गया आंसर क्या अपना, वन। तो यहाँ से हम अब लिख सकते हैं कि एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया प्रूव। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर दिक्कत होता है कहीं भी, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियोज को पूरा जरूर देखिएगा, हर डाउट का क्लियर, हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा यहाँ पे। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 में है, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बट्टा में है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टा में है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वन, बराबर में सिद्ध करना है टेन स्क्वायर थीटा के, बराबर में सिद्ध करने हैं टेन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो इसका एल एच एस हम पहले लिखेंगे, एल एच एस पहले लिखेंगे, एल एच एस में क्या है, एल एच एस में है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वन, यही चीज़ है। देखिए हम क्या बताएं, टेन और कॉट अलग फॉर्म में आते हैं, इसको साइन कॉस में पहले ले आएंगे। ठीक है, तो वन माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में वन। ठीक है, तो देखिएगा अब इसको एलसीएम लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा एलसीएम। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टा बड़ा वाला बट्टा नीचे का एलसीएम लेंगे तो होगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है तो वो रहेगा माइनस, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये जो है अपना पूरा टर्म एक ही है, इस टर्म के बाद ये टर्म आया है। ठीक है, अब देखिएगा ये दोनों भाग में है ना, ये बट्टा और ये बट्टा भाग में है, इसको यदि हम गुना में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, पलट जाता है। ठीक है, गुना में ले जाने के बाद पलट जाते हैं, आपको पता है, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट्टा में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये नीचे वाला टर्म जो भाग में है इसको हम गुना में ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, पलट जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो चला आएगा नीचे में। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा नीचे चला आया, अब ये टर्म और ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचे क्या, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम सीधे से डायरेक्टली लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एल एच एस का मान किसके बराबर हो गया है, आर एच एस के मान के, यही चीज़ प्रूव करना था, तो बड़े ही प्यारे तरीके से हो चुका है प्रूव। तो आइए अब देखेंगे इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन को, समझेंगे बहुत। तो देखिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन भी है बहुत ही प्यारा सा, 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 22 नंबर क्वेश्चन में है साइन का पावर 4 और माइनस माइनस ही है माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा है। ठीक है, और बट्टा में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बट्टा में है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या है, 1। यही चीज़ साबित करना है, बहुत ही प्यारे तरीके से साबित कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे ये साइन थीटा का पावर 4 है माइनस कॉस थीटा का पावर 4 है, तो इसको हम एल एच एस, देखिए एल एच एस यहाँ पर पहले लिखना छोड़ दिया हमने, ठीक है, एल एच एस लिख लिया हमने, उसके बाद क्या है, साइन थीटा टू द पावर 4 माइनस कॉस थीटा टू द पावर 4, और नीचे में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तब ना दो दूनी चार हो जाएगा, पावर गुना हो जाएगा, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तब पावर चार हो जाएगा, ठीक है। और बट्टा में जो चीज़ है वो तो रहने देंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म पे आ जाती है, इसको हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टा में कौन सा भाग है, ये है साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों कट जाएगा, आपस में बचे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, क्या साबित करना है, बराबर में एक, तो ये बराबर में एक होता है कि नहीं होता है, तो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो गया एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इसके बाद आप देखेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 का सोल्यूशन, तो समझ में आ रहा है, कमेंट कर दीजिए कुछ अच्छा सा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू बराबर क्या साबित करना है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इस चीज़ के बराबर साबित करना है। तो इसको हम कैसे साबित करेंगे, बहुत ही प्यारा तरीका है इसको सॉल्व करने का, तो एल एच एस में जो चीज़ है वो लिख लेते हैं, पहले टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू, ठीक है। इसको हम साइन बाई कॉस, साइन और कॉस के पद में चेंज करना चाहेंगे तो हो जाएगा बहुत ही आराम से चेंज, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा उसके बाद, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू होंगे, ठीक है। तो देखिए एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, अलग अलग टर्म है नीचे में तो गुना हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा गुना कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इससे इसमें भाग करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ठीक है, दोनों बार बार गुना, दो बार गुना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं ऊपर में, ठीक है, प्लस अब इस साइन स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं नीचे वाला में तो साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा से हम कॉस स्क्वायर थीटा में गुना करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बट्टा एक है, एक से भाग दिया इसमें तो ये दोनों टर्म बच जाएंगे, इस दोनों टर्म से दो में गुना करना है, ठीक है। तो प्लस टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं भी। देखिए ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा और बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये ए इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ गया था, और नीचे में क्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला पढ़े हैं आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, तो ये हो गया एक बट्टा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हमको साबित क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसके आगे का सोल्यूशन करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं एक बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा गुने एक बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अलग अलग कर दिए हम, एक से गुना करेंगे, देखिए होगा इस दोनों को गुना किया तो ये गुना हो गया क्या पास में, तो एक बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, और गुना साइन वन बाई साइन थीटा क्या होता है कॉसेक, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यही चीज़ था प्रूव करना, एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया है प्रूव्ड। तो इसके बाद अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का पावर 4, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का पावर 4 बराबर किसके है, बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा के पावर 4 के, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का पावर 4 के बराबर है, ठीक है। LHS का मान जो है RHS के मान के बराबर है, यही चीज़ साबित करनी है, ठीक है। तो LHS में क्या है, LHS में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को अगर आप कॉस में चेंज करना चाहते हैं तो कॉस में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए या फिर कॉस को हम साइन में ही चेंज कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर 2 कर दिया मतलब गुना हो जाएगा 2 से, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा हुआ
प्लस, अब कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन में अगर लाना चाहते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, पावर 2 है तो रहने देंगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे आया ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2ab होगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक में। तो देखिए क्या हो गए, 2ab, 1 a का स्क्वायर और b का स्क्वायर करेंगे तो साइन का पावर 4 ना हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 2ab, माइनस 2 और 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा से गुना कर दिए तो ये हो गया। तो क्या आया अपना, ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ज़्यादा घात वाला को पहले लिख देते हैं, साइन थीटा का पावर 4, और ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस 1 हो गया, ठीक है। ये वैल्यू आया कौन चीज़ का, ये वैल्यू आ गया कौन चीज़ का, इस LHS का, ठीक है। अब RHS का मान निकालेंगे, RHS में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का पावर 4, ठीक है, तो साइन थीटा का पावर 4 और साइन थीटा का पावर 4 तो मिल ही गया। अब इस ये लाना है, ठीक है, ये टर्म लाना है, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और प्लस में जो है उसको हम लिख देते हैं। अब इसको अरेंज करेंगे सही से, तो साइन ज़्यादा घात वाला को पहले लिख लेते हैं, साइन थीटा का पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो देखिए LHS का जो मान आया वो RHS के मान के बराबर हुए कि नहीं हुए, LHS का मान और ये रहा RHS का मान, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर क्या है, RHS के है। यही चीज़ प्रूव करना था, तो कितने प्यारे तरीके से हो चुका है प्रूव, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को, तो 25 के पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि टेन स्क्वायर ए बट्टा टेन ए का पावर 4 माइनस 1, ठीक है, इसको साबित करना है किसके बराबर। 25 का पहला क्वेश्चन है, 25 का पहला क्वेश्चन में कहता है टेन स्क्वायर ए माइनस 1, टेन स्क्वायर ए माइनस 1 और बट्टा टेन ए का पावर 4, टेन ए का पावर 4 माइनस 1, माइनस 1 बराबर किसके है, कॉस स्क्वायर ए का, ये चीज़ साबित करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम LHS को पहले लिख लेते हैं, टेन स्क्वायर ए माइनस 1 और बट्टा में टेन ए का पावर 4 माइनस 1, ठीक है, ये अपना LHS वाला भाग है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए टेन स्क्वायर ए माइनस 1 है, उसको ऊपर में रहने देते हैं टेन स्क्वायर ए माइनस 1 को, और नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऊपर में क्या हो गया, टेन स्क्वायर ए माइनस 1 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होते हैं, ठीक है। तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू टेन स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। तो देखिए ये टेन स्क्वायर ए माइनस 1 और टेन स्क्वायर ए माइनस 1 कट जाएगा, ठीक है, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो नीचे में आ गया 1 बाय टेन स्क्वायर ए प्लस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसको हम अगर उठा के टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं तो इधर बच जाता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ यही चीज ना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के ना, तो ये हो जाएगा 1 बाय सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और सेक स्क्वायर ए को ऊपर हम ले जाएंगे तो 1 बाय सेक किसका फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, कॉस का, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो अब बच गए हैं एक 25 के सेकेंड क्वेश्चन, उसका भी सॉल्यूशन आइए देख ले। तो देखिए 25 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 25 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है, 25 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉट ए का पावर 4, 1 माइनस कॉट का पावर 4 ए, ठीक है, बराबर किसके साबित करना है, बराबर है साइन स्क्वायर ए, बराबर है साइन स्क्वायर ए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किस टाइप से करेंगे, जस्ट 25 का पहला जिस टाइप से सॉल्व किए हैं बस उसी तरीके से सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, ठीक है। LHS हम पहले लिखेंगे क्या है, 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए
बट्टा वन माइनस कॉट ए का पावर फोर है, ठीक है। तो देखिए नीचे ऊपर वाले को ऐसे ही रहने देते हैं, कॉट स्क्वायर ए को रहने देते हैं और नीचे वाले को हम चेंज करेंगे। तो इसको हम वन का स्क्वायर लिख सकते हैं और कॉट का पावर फोर है तो इसको हम कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म पे, तो हो गया वन माइनस कॉट स्क्वायर ए ऊपर में है इसको रहने दिए और बट्टा में वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू क्या हो जाएगा, इंटू वन माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए वन माइनस कॉट स्क्वायर ए, वन माइनस कॉट स्क्वायर ए कट गया, क्या बचे एक बट्टा वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो एक फॉर्मूला यहाँ से पढ़े होंगे आप, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन। यहाँ क्या है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको हम उधर ले जाएंगे तो बच जाएगा इधर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, इधर इधर बचेंगे क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और क्या पढ़े हैं वन बाई कॉसेक थीटा बराबर क्या पढ़े हैं आप साइन थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो एल एच एस के बराबर आर एच एस हो गया ना प्रूव, तो अब लिख देंगे इसी के नीचे में एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव। देखा कितने प्यारे तरीके से कर चुके हैं सॉल्व, बहुत ही अच्छे तरीके से समझे हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से समझे हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सॉल्यूशंस करने का तरीका समझ में आ रहा है या नहीं ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों आज की तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, समझेंगे आगे के सॉल्यूशंस को, तब तक के लिए गुड लक।